हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका रितिका की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज मैं जो मेरा व्लॉग है, खास तौर पे आज मैं कुछ ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ आपको। और स्टार्ट करते हैं मेरे फेस से। फेस मेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा डल, और आपको दिख भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल। तो क्या सोचा है, स्किन का मैसे ख्याल रखती थी, रखना भी चाहिए, और काफ़ी बीच में बहुत ज़्यादा बिजी रही तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पहले हम स्कूल जाते थे, पोल्यूशन से सारी स्किन जो है पूरी ख़राब हो जाती थी, और अब क्या है, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा सा अपने फेस के लिए टाइम मतलब देना भी पड़ेगा, और टाइम नहीं है तो भी निकालना पड़ता है एक्चुअली। तो आज मैं क्या करने वाली, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं पहले होममेड ही यूज़ करती थी एक्चुअली, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैंने सोचा एक फेस शीट मास्क पड़े हैं मेरे पास, दो तीन रेडीमेड ही हैं, तो वो मैंने सोचा कि मैं वो ट्राई कर लेती हूँ, और उसका क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी निकाल लेते हैं, कौन सा पड़ा है मेरे पास, आई हैव टू, सीवेट का है एंड कुकुम्बर, तो कुकुम्बर लगाती हूँ मैं आज, सोच रही हूँ। तो जी ये लेके आ गई हूँ मैं कुकुम्बर का, और ये मैं आज फेस शीट मास्क जो है लगाने वाली हूँ। और जब भी मैं नेक्स्ट बनाऊँगी होममेड कोई फेस मास्क तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक तो कुकुम्बर है जो वो हाइड्रेट रखेगा आपकी स्किन को, और इसमें विटामिन सी होता है, और ये हेल्प करेगा आपकी स्किन को और शाइन करने में। कुकुम्बर के बहुत सारे फायदे हैं, हम गिनने स्टार्ट करें तो ख़त्म ही नहीं होने वाले। आप कुकुम्बर खाते हो तो उससे कितना आपकी बॉडी को फायदा होता है, इसीलिए फेस का भी ध्यान रखिए, फेस पे भी। अब मैं कुकुम्बर का जो फेस पैक है लगाने वाली हूँ, बट ये शीट मास्क है, होममेड मास्क भी मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ, बट अभी टाइम को देखते हुए मैं ये स्टार्ट करूँ। तो मैं दोनों ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं होममेड ही करती हूँ, दैट इज ऑल्सो गुड, बट ये भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे, 8 packs थे, और इसमें रोज का था, राइस का था, और लेमन का था, कुकुम्बर, अभी कुकुम्बर एंड सीवीड बचा है, वो मैं देखूंगी कभी बाद में लगाऊंगी, बट कुकुम्बर का बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, ऑलरेडी यूज कर चुकी मैं एक बार, ये सेकंड पैक था जो मैं यूज करने जा रही हूँ उसके। अब देखो, आप देख सकते हो इसमें कितना जेल है, देखो, और इस पैकेट में भी है, इसको वेस्ट नहीं करना आपने। तो इसको मैं लगा लेती हूँ एक बार, मास्क को खोल कर आपके सामने ओपन कर रही हूँ, बहुत ज्यादा इसमें जेल है, और ये जेल पूरा मतलब वेस्ट नहीं करना, इसको आप अपनी नेक पे लगा सकते हो, फेस पे भी लगा सकते हो, उसको स्टोर करके रख दीजिए, आप फ्रिज में रख दीजिए, ये भी मैंने फ्रिज से ही उठाया आपके सामने। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ जी मेरी स्किन कैसी हो गई है। अब आएगी जी फेस मास्क लगाने की बारी। लग गया 20 मिनट्स के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा, टाइम देखते रहिए। इसको हाथ से ऐसे, अगर आपको लग रहा है तो फिर ऐसे हाथ से भी इसको प्रेस कर सकते हो, और प्रेसर एक आता है छोटा सा, उससे भी आप कर सकते हो, बट मेरे पास वो नहीं है, मैं हाथ से कर रही हूँ। डल है इसको, या तो आप एक छोटे से डिब्बे में स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, या अगर आपको लगाना है हाथों में लगा सकते हैं इसको, गर्दन पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये होता है जी, हो गया 20 मिनट्स पूरे, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अगर आपको जैसे लगे ना कि पूरा ड्राई हो चुका है, इसमें पूरा जेल जो है आपकी आपके फेस में एब्जॉर्ब हो गया, आपके फेस में चला गया, उसको रिमूव करना है, उसके लिए 20 मिनट्स तो आपको चाहिए। तो मैं इसको रख देती हूँ। अब आपको क्या करना है, ऑलरेडी आप अपने फेस पे हाथ लगाओगे ना, टच करोगे पूरा जेल, तो आपको क्या करना है, मसाज, हल्की हल्की मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, ताकि अगर थोड़ा सा जेल अगर बाहर है तो पूरा त्वचा के आपके जो फेस के अंदर चला जाएगा।
अब मुझे इतना ऐसा फील हो रहा है कि जो जेल है मेरे फेस में बिल्कुल अंदर तक जा चुका है। और जो जी मैं फेस के में जो इसमें जो जेल है ना, इसको वेस्ट नहीं करूंगी मैं, और इसको जी मैं लगा लेती हूँ गर्दन पे, पूरा इसको ऐसे गर्दन पे लगा लेती हूँ। विन, आपके पास जैसे फेस शीट मास्क लगाने के लिए टाइम नहीं है, तो इसमें अगर जेल आप स्टोर करके रखते हो इसका, तो फटाफट से नहाने से पहले आप जेल लीजिए, फटाफट से लगा लीजिए थोड़ी सी देर इसको फेस पे, उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए, बस सिंपल। अभी मैं इसलिए नहा ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी आपके साथ शेयर करना था। और अब चलते हैं जो दूसरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। ये जो देखो आप नहाओगे ना, मतलब ये भी सब चला जाएगा, लाइक अभी थोड़ी सी स्किन आपकी और अच्छी हो जाए। तो जी फेस को वॉश करूँगी, उसके बाद मैं आपका फेस का दिखाती हूँ। लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा, थोड़ा सा क्या, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है ऐसे स्किन मेरी अच्छी लग रही है, मुझे खुद को लग रहा है। तो आगे चलते हैं जी हेयर टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ बालों के लिए, जो आपको मैं देने वाली हूँ। देखो आपके पास जैसे जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास, तो जो हेयर मास्क है वो हम घर में भी बना सकते हैं, ठीक है, इजिली बना सकते हैं। और जो मैं आज करने वाली हूँ वो तो इंस्टेंट है। आज मैं क्या करने वाली हूँ, आपको सिर्फ लेना है एक एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सबके घर में होता है एंड एलोवेरा भी सबके घर में होता है। एलोवेरा आप प्लांट, मेरे पास फिलहाल के लिए नहीं है, तो प्लांट से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसको एक बॉल में निकाल लेती हूँ मैं। ये निकाल लिया मैंने इसमें इतना एलोवेरा जेल, कम पड़ेगा तो और निकाल लूंगी। तो अब हमें क्या करना है, अच्छे से कॉम कर लीजिए। पहले कॉम कर लिया मैंने फिलहाल अच्छे से, क्योंकि मैं आज हेड बाथ भी लेने वाली हूं। तो ये जी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ऐसे करो। अब आपको मैं दिखाती हूं, ऐसे हाथ से ऐसे इस तरह से आपको लगाना है, और बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होते। पूरे इस तरह से आप पूरे सिर में इसको लगा लीजिए। तो दोस्तों मैंने फेस वॉश कर लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये शीट मास्क लगा के, बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इसमें। मैंने से भी ऐसे टच हो रहा है कि बहुत सॉफ्ट हो गया मेरा फेस, बहुत सॉफ्ट हो गया। और मुझे अभी मैंने हेड वॉश नहीं किया है, और फिर बड़ा बिंदास लगाइए एलोवेरा जेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इवन आपने जैसे बाल कलर किए में आपको लग रहा होगा कि हाँ यूज़ करें या नहीं, तो ये नेचुरल है, मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका, इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे मेरे फेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और इवन आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, आई थिंक सो, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने आपको बताया था गार्नियर का, और ये जो मैंने नया यूज़ किया था, तो वो अच्छा है, मतलब कोई साइड इफेक्ट मुझे लगे नहीं, और इचिंग विचिंग कुछ नहीं हो रही मुझे, इट्स गुड। बट होममेड जब भी मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एंड एलोवेरा जेल ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो जिंक एंड कॉपर होता है एलोवेरा में, जो आपके बालों को सिल्की स्मूथ और स्ट्रॉन्ग रखता है, और बहुत ही अच्छा है। अगर आप कलर भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आप लगाइए, बिना सोचे समझे लगाइए, बिना डरे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये डार्क सर्कल के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और मैंने कुछ सोचा है, एंड इवन मैं जब वो बनाऊंगी वो जो जेल है वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइज, मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है, एंड लंच भी हो गया है, और देन मेरे जो बाल है ना, मतलब एलोवेरा जेल के बाद तो सुपर्ब, मतलब इतने सिल्की सिल्की लग रहे हैं ना, अभी तो गीले हैं थोड़े, बट ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं हाथ लगाने से,
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही सिल्की सिल्की बहुत अच्छा लग रहा है. ओके सो टुडे आई हैव सम ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैव परचेज सो few lipsticks and nail paint. This is a nail paint and lipstick today I'm wearing. It's Oriflame and it's, I felt it's just an amazing product. So if you want to purchase, I'll give this link in the description box. Go and check out. So dosto, I have purchased this nail paint, two nail paint. This is a mellow and this is a mellow and this one is a soft pink. ये दो जो मैंने nail paint खरीदे हैं वहाँ से and four lipsticks and today I'm wearing this lipstick and this is a four products I have purchased. Total six products. It's all in products and मुझे लगाने के बाद ये रहता मतलब बहुत अच्छा, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, superb, बहुत अच्छा लगा मुझे and जो color हैं वो भी नए नए, मतलब अच्छे अच्छे न्यू कलर्स मुझे मिले और बहुत अच्छे हैं. तो बीच जाइए एंड में देखिए, उसमें बहुत सारे आपको हर चीज़ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अगर आप जिम जाते हैं तो आपको कौन सा प्रोटीन पीना चाहिए, आपके लिए प्रोटीन आपके हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है, वो भी आपको हर तरह के आपको मिलेंगे वहाँ पर. एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो हैं ही, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं एंड इवन बेबी, आपके अगर कोई छोटा बच्चा है उसके लिए आपको वहाँ मिलेंगे. तो जाइए, देर मत कीजिए, जाइए एंड चेक कीजिए वहाँ पर. एंड आपको लिपस्टिक्स मैं दिखा रही थी तो दैट्स वन, दिस वन शेड आई गेस आपको दिख रही होगी. एक्चुअली जो मैंने वेयर किया हुआ है दिस वन ओनली. सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने खरीदी है, दैट्स अ ब्राइट रेड, सॉरी सॉरी, दिस इज अ सॉसी प्लम, ठीक है. एंड फोर्थ वन इज फाइनली दिस इज, हाँ एक्चुअली दिस इज अ ब्रिक रेड. एंड चारों की चारों कलर अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे कलर हैं. मुझे दिन से मैं सोच रही थी इसको, और आप अगर एक बार ऑर्डर करते हैं तो एज सून एज पॉसिबल, यानी मतलब इतना टाइम भी नहीं लगता इसको आने में, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. एंड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी आज, गो एंड चेक आउट. तो दोस्तों इसके साथ ही मैं व्लॉग एंड करती हूँ. सो कल की चिंता मत कीजिए, आज का जश्न मनाइए. तो आपको क्या करना है दोस्तों, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रितिका शाइन. बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ. बाय बाय.